जलेश्वर को सब डिविजन मान्यता पाई दाबी एनी आनंद प्लेस कल्याण मंडप रे युव संगठन पक्ष प्रेसमिट कर सूचना अनुसार गत तीन मास पूर्व 10,000 दस्तखत संबलित दावीपत्र मुख्यमंत्री उद्देश्य जलेश्वर तहसीलदार को प्रदान करपर्त सरकार कौन पदक्षेप ने सचेतन युव छात्र संगठन पक्ष आसंता 22 मे बंद डाकरा दी जलेश्वर को सब डिविजन मान्यता दीर्घ दशंधि ऊर्ध समय धरी सब डिविजन दावी उठी बुद्धिजीवी वकिल संघ स्थानीय विधायक सांसद माने अंटा भिड़ता बेले धीरे धीरे नेतृमंडली स्वर से शिथिलता पड़ी तेरे उक्त दावी को अधिक स्थानित करने को जलेश्वर सचेतन युव छात्र संगठन माने एकत्रित दावी उपस्थापना करे सरकार एथप्रति दृष्टि देना तेणु तीन मस अवधि अतिवाहित होता बेले सरकार को निरवता को पुणी थे आंदोलन चेतावनी देखते संगठन आज सांबादिक सम्मेलन आह्वान करिवार मुख्य उद्देश्य हूँ आमे जो जलेश्वर को सब डिविजन घोषणा करने जो दाबी उत्थापन करूँ बाइक रैली मध्यम तहसीलदार मध्यम मुख्यमंत्री को उद्देश्य जो दस्तखत अभियान कर दस्तावेज दि जाइला आज पर्यंत से बाबदे प्रशासनिक अधिकारी मान द्वारा सरकार तरफ रू आज पर्यंत कौन किसी आलोचना पर्यालोचना किसी करा तेणु आम बाध्य आज सांबादिक सम्मेलन डाकवाई ये डाकिलु आसंता सरकार को आम गोटे मस समय देलु जदि गोटे मस भितर जदि सरकार किसी पदक्षेप नियंती आसंता 22/5/23 तारीख सोमवार रे जलेश्वर को सब डिविजन घोषणा करने आम जलेश्वर दुकान बजार बंद करूँ चक अख बंद करूँ राज्य सरकार जो दफ्तर अच्छी कार्यालय अच्छी बंद करूँ केन्द्र सरकार जो कार्यालय अच्छी बंद करूँ आज ए गोटे मस भर जलेश्वर ब्लॉक अधीनस्थ एवं भोगराई बस्ता बालियापाल ब्लॉक अधीनस्थ जनगहलीपूर्ण जगह जो हाट गुड़िक अच्छी आमे से हाट गुड़ी को जाई समस्त सचेतन करू नागरिक मानू जे जलेश्वर से सब डिविजन प्रतिष्ठा करने लोकंर इच्छा शक्ति अच्छी ना आग्रह अच्छी कि ना लोक को आंदोलन में सामिल करने आम जन सचेतनता कार्यक्रम आरंभ करूँ से आज आम आपण मान को आह्वान कर डाकिल बालेश्वर भरत कुमार दासों रिपोर्ट एनएनएस ओडिया।